गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज सारे काम हो चुके हैं घर के और अब हुई हूँ फ्री। यार लाइट गई है तो एकदम सन्नाटा लग रहा है घर में। आवाज़ देखो कैसे गूंज रही है। ओहो एकदम शांत शांत बढ़ता है। तो अभी खाने वाले हैं खाना। खाना भी बन चुका है, सारी चीज़ें हो गई है। अभी खाने वाले हैं खाना और माही फोल्ड कर रही थी, अब तक मुझे हेल्प करने लगी थी कपड़ों की फोल्ड कर रही थी। बट उसका ऐसा होता है कि कपड़ों की फोल्ड तो उसे करनी होती है, बट जब ज़्यादा कपड़े दिख जाते हैं ना तो उसको लगता है कि यार इतने सारे कपड़े कब फोल्ड करूँगी। तो अभी उसको हेल्प करूँगी मैं थोड़ी सी। इसने देखो यहाँ पर बैठ के थोड़े से कपड़े फोल्ड कर दिए थे, बट उसको पसंद है एक्चुअली करना। बट वो क्या होता है कि उसका ज़्यादा दिख जाता है ना तो उसे टेंशन आ जाता है, इस वजह से यहाँ पर टॉवल भी। तो ये सारे कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं अभी। तो पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद सारे काम करूँगी। चलो खाना खा लेते हैं। खाना अद्विक अद्विक यहाँ पर खा रहा है खाना। काय काय करते तू? वड़न पोड़ी? काला काला हाँ, काकू चाकड़ी? अरे तोड़ कैसे भरवल अद्विक तू? मुँह देखो आपका कैसे। अरे 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 गंदे बच्चे। चलो मैं भी खाती हूँ थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर ये सब्जी बनाई है। कसा जी म्हणता याला सब्जी हिंदी मध्ये? हिंदी मध्ये नाही माहिती, हिंदी में नहीं पता। वो पत्ते की सब्जी होती है, सिंपल सी बनानी पड़ती है। टोमेटो प्याज डाल के थोड़ा सा लहसुन काट के डाल के। हाँ ठीक है मैं पहले खाना खा लेती हूँ बाद में। खाना खाने के बाद ना तुरंत सो गए थे। तो उसके बाद आगे थोड़ा दोपहर में सो रही क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि दोपहर में अगर सो जाऊँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं माही की और अद्विक की, तो अभी कोरोना वायरस की वजह से तो थोड़ा सा मुझे कोरोना वायरस का फ़ायदा हो रहा है, तो क्योंकि मुझे सोने के लिए मिल रहा है। नहीं तो बच्चों की मतलब स्कूल वगैरह होती है तो माही 3:30 बजे वगैरह आती है, तो उसके बाद तो बिल्कुल सोने के लिए नहीं मिलता है। और अद्विक भी, अद्विक का भी टेंशन ही रहता है मुझे, तो इस वजह से तो दोपहर में मुझे बिल्कुल सोने के लिए नहीं मिलता था। बट आजकल 1-2 दिन हो गए मैं दोपहर में सो रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो जाता है, मतलब 2-2, 3-3 बज जाते हैं एडिटिंग वगैरह के लिए, तो इस वजह से काफ़ी लेट होता है, सोने के लिए नहीं मिलता है, नींद ही पूरी नहीं होती है। और आप लोगों को पता है 11:30 बजे वगैरह मैं 11 बज जाते हैं, कभी 11:30 बज जाते हैं, तो ऐसे व्लॉग को एंड करती हूँ। उसके बाद फिर व्लॉग को एडिट करती हूँ, तो एडिट करने के लिए काफ़ी लेट हो जाता है, फिर उसके बाद अपलोडिंग के लिए डालती हूँ तो हो ही जाता है। तो इसी वजह से मैं दोपहर में सो रही हूँ और बस इस तरह से। यहाँ पर ना शाम की दिया बत्ती हो रही थी शाम को इसी तरह से, और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपका जो भगवान की पूजा होती है उसका रूटीन शेयर करो। बट यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ ना तो कैमरा वगैरह ऑन करके नहीं पूजा होती है यार। इतना ठीक है मतलब दिया बत्ती वगैरह कैमरा ऑन करके कर लेती हूँ, बट पूजा वगैरह मतलब नहीं होता है मुझसे कैमरा ऑन करके। वो होता है ना आधा मन इसमें और आधा मन उसमें, तो वो नहीं होता है मुझसे। तू कुठे चालला? आ काकांच्या घरी? शिकार मामा के घर? हाँ मैं आऊ? आओ ना फिर, आओ ना फिर, चलो साथ में चलूँ मैं आपके। थक गए?
ये देख देख। मच्छर आंगा और मच्छर आला। भागला। हो भागला का मच्छर। भागला का मच्छर। चलो जल्दी जल्दी पियो फिर। चलो हमें जाना है। ओ ऐसे नहीं करते, डकार आ रही है। अरे बाप रे, बहुत खेला ना वो अभी क्रिकेट। खेल के आए हो ना आप? हाँ क्या? क्रिकेट ओ क्रिकेट। आज ने बहुत सिक्स मारे मम्मा, इतने हाँ दूर में कहा कि एकदम सामने नहीं करना था। चलिए हम लोग जा रहे हैं अभी श्रीकांत के घर। अंकल आंटी ने बुलाया है, दोपहर में ही कॉल किया था उन्होंने, क्योंकि मैं काफी दिन हो गए गई नहीं उनके यहाँ पे, इसी वजह से उन्होंने कॉल किया कि याद भी नहीं आ रही है कि आपको, तो अभी जाके आ जाती हूँ। मेरा क्या होता है कि जाना ही नहीं होता यार, बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ घर पे ही, और कहीं बाहर निकलती हूँ तो बाहर निकलने के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है, तो इस वजह से जब बाहर जाती हूँ उसके बाद घर पे आके फिर जल्दी 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 काम करने पड़ते हैं, तो मेरा जाना ही नहीं हो रहा है आजकल। हाँ हाँ देखो मैं कैसे करता। क्या करता? देखो ये डॉग इतना अच्छा था, पूरा मतलब वो उल्टा पुल्टा होता था, ये की थी मम्मा, उसे। हाँ की थी उसको। देखो मम्मा ये सेल का था, सेल थे क्या? हाँ 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 नहीं हाँ हाँ सॉरी, की नहीं थी उसे, सेल थे इसमें। बहुत अच्छा था, लेकिन अद्विक के हाथ में एक दिन गया, एक दिन में ही मेरे कितने बचपन से मैंने एक दिन में ही उसने खराब कर मम्मा दिया। मशीन से निकल गई अंदर से, देखो पूरा पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, मतलब डायरेक्ट फेंक देता है कोई भी चीज। गुस्सा आया तो मेरे पे फेंकता है। और फेंकता तो ठीक है, मतलब तोड़ देता है डायरेक्ट, इतने जोर से फेंकता है ये, मतलब इसको ये नहीं है कि ये खिलौना मम्मा, है या कुछ, मम्मा, एक दिन से ज्यादा इसके पास खिलौना नहीं रहता है कोई भी। हाँ वो चलता नहीं, वो चलता फिर खराब हो गया वो, फिर अरे तुमने खराब कर दिया वो, मैंने खराब कर लिया, फिर उसमें मशीन ऐसे वाजती। अरे अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है चलो 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 चलो। वो चलता नहीं, नहीं चल तो ऐसे परेशान करता ही है। बच्चे चले गए आगे, तो जल्दी से जाके आ जाती हूँ मैं, और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर मैं आ गई थी श्रीकांत के घर पे, तो मतलब आंटी ने ना दो साड़ियाँ ली थी, तो वो मुझे दिखा रही थी आंटी, तो इसी वजह से मैं वो देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये वाली साड़ियाँ थी, तो एक्चुअली मुझसे पूछ रहे हैं कुछ लोग पिछले ब्लॉग में कि श्रीकांत कौन है, श्रीकांत कौन है, तो श्रीकांत मेरा भाई है यार, मैं आपसे बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट होता है ना कोई लोग, मतलब बहुत से लोग अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं तो उनको नहीं पता है श्रीकांत कौन है, तो श्रीकांत मेरा भाई है, मतलब मुँह बोला भाई है, मुझसे ये भी पूछा गया है सगा भाई है या मतलब कज़न है, तो वो मेरा मुँह बोला भाई है। और यहाँ पर मैं घर पे आ गई थी, तो यहाँ पर हो रही है कटहल की सब्ज़ी बनाने की तैयारी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दो प्याज लिए हैं बड़े वाले, और दो प्याज को अच्छे से मतलब काट लिया है, जैसे लंबा लंबा नहीं काटे वैसे, और क्योंकि इसको हमें भूनना ही है, तो इसी वजह से भून के हमें इसका जो पेस्ट है वो बनाना है। और यहाँ पर सूखा नारियल भी भून रही हूँ थोड़ा सा, मैंने उसको चॉप कर लिया था, और उसको अच्छे से भून लूँगी मतलब ब्राउन होने तक, और फिर उसको हमें पीसना है सारी चीज़ों को। तो इसमें और खड़ा मसाला भी मैं भून रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें खड़ा मसाला भी भूनने की, मतलब ताज़ा जो खड़ा मसाला भूनते हैं ना उसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग आती है, खड़ा मसाले की जो टेस्ट है उसकी बात ही अलग होती है, तो इसी वजह से मैं इसमें इसमें फ्रेश ही डाला जाएगा, जो पैकेट का है वो खड़ा मसाला नहीं डाला जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं खड़ा मसाला भी भून रही हूँ। और फिर मैंने कढ़ाई में तेल ऐड कर दिया है, तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें कटहल ऐड कर रही हूँ, कटहल इस तरह से फ्राई हो जाने के बाद, हमें कटहल को पहले अच्छे से फ्राई करना है, कटहल को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि, और इस वाली सब्ज़ी में थोड़ा सा तेल भी बहुत ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा तेल लगता है, तो जो हेल्थ कॉन्शियस है मतलब तेल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उनके लिए तो ये सब्ज़ी बिल्कुल सही नहीं है, बट इसमें ना बहुत ज़्यादा तेल लगता है यार, मतलब डीप फ्राई करना पड़ता है पहले, तो आपको कटहल डीप फ्राई करना पड़ता है, उसके बाद आपको उसमें मसाले में, बट टेस्टी बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत टेस्टी बनती है ये वाली सब्ज़ी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत बार मतलब अगर आपने नहीं की है
है। इस तरह से अगर नहीं बनाई है तो आप एक बार इस तरह से बना के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आप कैसे बनाते हो, मतलब बहुत लोग ना कटहल को बॉईल करते हैं उसके बाद उसे मसाले में फ्राई करते हैं, बट मैं ना ऐसे करती हूँ। और मुझे ऐसे भी अली मतलब इसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग आती है और बहुत अच्छी आती है। तो इसी वजह से एक बार इस तरह से अगर सब्जी बनाओगे ना, एक बार इस तरह से बना के देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मेरे घर पे तो इसी तरह से बनती है और मैंने मम्मी से सीखी है मेरे, तो मम्मी मेरी ऐसी बनाती है। सिर्फ मेरे मम्मी ना टोमेटो ऐड नहीं करती है, मैं टोमेटो ऐड करती हूँ। मम्मी सिर्फ सादे मसाले वाली बनाती है और मम्मी ना थोड़ा सा ग्रेवी भी कम बनाती है, तो मैं यहाँ पर ग्रेवी भी डालूंगी थोड़ा सा, मतलब पानी ज़्यादा ऐड करूँगी। तो पहले कटहल को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। कटहल बहुत टाइम लगाता है फ्राई करने के लिए, मतलब बहुत टाइम लेता है, जल्दी फ्राई नहीं होता है। तो इसी वजह से पहले अच्छे से कटहल को फ्राई कर लेंगे। और कटहल भी बहुत सारा लाया था इन्होंने, तो इसी वजह से टाइम लग गया था मुझे कटहल को फ्राई करने में। और उसके बाद कटहल यहाँ पर फ्राई हो गया था तो मैंने तेल कढ़ाई में चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं उसमें मसाला डाल दूंगी जो हमने मसाला बना के रखा है, मतलब जो प्याज और सूखा नारियल और जो खड़ा मसाला उसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया था थोड़ा सा पानी डाल के, और वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ उसमें। ये मसाला ऑलरेडी भून चुका होता है बट फिर भी हमें इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से भूनना है, तेल में इसे फ्राई करना है। और जब तक आपका मसाला जो है वो तेल नहीं छोड़ देता है तब तक आप उसे भूनते रहिएगा, मतलब तब तक आपको उसे भूनना है। और उसके बाद आपको ये जो पॉट है मैं इसमें टोमेटो ऐड करूँगी, मतलब छोटे छोटे जो टोमेटो होते हैं वो 4 लिए थे मैंने, टोमेटो ऐड करूँगी और टोमेटो की प्यूरी बना लूँगी। तब तक मैं ये मसाला भून लूँगी। ये मसाला भून जाने के बाद, मतलब तेल छोड़ने के बाद, जैसे ये मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा तो उसमें आपको ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तब तक मैं ये जो टमाटर है, 4 टमाटर मैंने लिए हैं छोटे छोटे, मतलब छोटे साइज़ के। अगर आपके पास बड़े साइज़ के टोमेटो है तो आप 2 ही टोमेटो लीजिए, और अगर आपके पास छोटे साइज़ के टोमेटो है तो मैंने यहाँ पर 4 लिए है, तो 4 टोमेटो को प्यूरी में बना लूँगी अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर मेरा मसाला भून रहा था तो मैंने उसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अच्छे से भूनना है आपको ताकि उसकी जो कच्ची स्मेल है, मतलब लहसुन अदरक की, वो चली जाए। तो तब तक आपको अच्छे से भूनना है उसे। और एक्चुअली मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ख़त्म हो गया था तो मैंने अभी बनाया है ये वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो क्योंकि गार्लिक जो है वो इसे छीलने में ही काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। आज तो सारा कुछ लेट लेट ही हो रहा है, बहुत लेट हो गया था, खाना बनाने में लेट हो गया था क्योंकि मैं आंटी के अंकल के यहाँ पे गई थी, तो अष्टगान के यहाँ पे, तो वहाँ पर काफ़ी लेट हो गया। मैं वहाँ पर बातें करते रही और मुझे पता ही नहीं चला। तो उसके बाद आई यहाँ पे तो सारी कुछ मतलब तैयारी करने लगी खाना बनाने की, तो बहुत लेट हो गया था, खाना भी बहुत लेट खाया है आज। तो इसी तरह से यहाँ पर अच्छे से मसाला भून लूँगी। यहाँ पर मेरा मसाला जो है वो भून चुका है और उसके बाद मैं सारे जो मतलब जो प्यूरी बनाई थी मैंने टोमेटो की वो ऐड करूँगी, और उसके बाद इसे भी अच्छे से भून लूँगी, मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी ताकि ये जो मसाला है हमारा तेल छोड़ने लगे। जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ता है ना तब तक समझ जाइएगा कि ये मसाला नहीं हुआ है। जब तेल छोड़ने लगे मसाला तो उस टाइम मसाला भून चुका होता है पूरा। तो अब तेल छोड़ने लगेगा ना मसाला तो हम लोग उसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मसाला तेल छोड़ने लगा था तो यहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो लाल मिर्च पाउडर है वो ऐड किया, फिर हल्दी ऐड की, फिर धनिया पाउडर ऐड किया। तो और गरम मसाला तो हमने पहले ही मतलब जो खड़ा मसाला है वो ऐड किया था, तो इसी वजह से गरम मसाला ऐड नहीं करना है, तो नहीं तो फिर ज़्यादा कड़वा टेस्ट आएगा। तो इसी वजह से इस तरह से आपको ऐड करना है और बस अच्छे से चला लेना है ताकि आपका जो मसाला है ताकि अच्छे से भून जाए। और फिर यहाँ पर मैंने पानी भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए इधर कढ़ाई में, और वही पानी हमें उसमें ऐड करना है कटहल की सब्ज़ी में, मतलब ग्रेवी बनाने के लिए। तो मसाला हमारा भून चुका था, उसके बाद मैंने जो कटहल फ्राई करके रखे थे वो उसमें ऐड कर दिए। और अच्छे से आपको सारी चीज़ों को अच्छे से चला लेना है, मतलब कटहल को सारा मसाला लग जाने तक अच्छे से चला लेना है आपको। और थोड़ा सा नमक जो है ऊपर से ऐड करना है, नमक सबसे लास्ट में आपको ऐड करना है क्योंकि नमक अगर सबसे पहले आप क्या ऐड करते हो ना तो उसकी टेस्ट उतनी अच्छी नहीं आती है जितनी लास्ट में आप ऐड करते हो तो आती है। मसाले में भून जाने के बाद आपको उसमें पानी ऐड कर देना है जो हमने गर्म पानी करके रखा था। पानी ऐड करने के बाद मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड करना है, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतने, और फिर ढक के रख देना है उसे। तो आपकी जो कटहल की मसाले वाली सब्जी है वो रेडी हो चुकी है। और जब ये पक जाए उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा धनिया डाल देना है गार्निशिंग के लिए, और आपकी सब्जी जो है वो रेडी है। यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, आज 11:30 बज गया है,
एक्चुअली मैं अंकल के घर गई थी, मतलब श्रीकांत के घर गई थी ना, वहाँ पर आंटी साड़ियाँ वगैरह दिखाने लगी, जो भी मतलब उन्होंने लिया था वो दिखाने लगी, तो इस वजह से बातें करने में इतना टाइम चला गया, पता ही नहीं चला। फिर घर पे आए, घर पे फिर वो किया, खाना बनाया, अब भी खाना खाया, इतना लेट खाना खाया है आज हम लोगों ने। और अभी फ्री हुई हूँ तो मैं सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। और हाँ यार, मैं दिल से सॉरी कहती हूँ, सच में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं डेली भूल जा रही हूँ, डेली भूल जा रही हूँ। मैं डेली मतलब जब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तब सोच रही हूँ कि मैं आपका नाम लूँ, बट डेली भूल जा रही हूँ, तो सॉरी डियर उसके लिए। आप डेली कमेंट कर रहे हो मेरे वीडियो पे आके कि आप नाम लीजिए नाम लीजिए, बट मुझे पता नहीं कैसे भूल जा रही हूँ, मैं ब्लॉग के इन कर दे रही हूँ और भूल ही जा रही हूँ। तो इसी वजह से मैं आज सोच रही हूँ कि चलो आपका नाम ले लेती हूँ अपने ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आपको कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि आपका नाम इतने दिनों से मैंने नहीं लिया। जो मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है ज्योति देवी, उनका नाम मुझे लेना था, तो डियर मैंने आपका नाम ले लिया ज्योति देवी, सॉरी उसके लिए कि मैं आपका नाम काफ़ी दिनों से लेना चाहती थी, बट कुछ रीज़न की वजह, मतलब रीज़न कुछ भी नहीं था, मैं भूल जा रही थी, बस इतना ही था। बट आप उसके लिए माफ़ कर दोगे मुझे, आई होप। और आई होप आप खुश भी हो गए होंगे अभी मैंने आपका नाम ले लिया है। और चलिए इस ब्लॉग के यही पे एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, 11:30 बज गए यार, 11:30 नहीं 12:15 बज जा रहे हैं अभी। तो इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।